सचिन पायलट के बेहद करीबी विधायक मुकेश भाकर ने अपने क्षेत्र में एक अधिकारी की पोस्टिंग पर सवाल खड़े किए हैं। नागौर के लाडनू से विधायक मुकेश भाकर ने एसडीएम कार्तिकेय मीणा को भ्रष्ट अधिकारी बताते हुए उन्हें फौरन हटाए जाने की मांग की है। मुकेश भाकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं लाडनू की जनता को सचेत करना चाहता हूं कि इनसे बचकर रहें तथा किसी भी तरह के भ्रष्टाचार व इनके द्वारा होने वाली अभद्रता को तुरंत सार्वजनिक करें। मुकेश भाकर ने राजस्थान तक के रिपोर्टर हनीफ खान के साथ इस मामले पर फोन पर बातचीत भी की, जिसका ऑडियो भी हम आपको सुनवाते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ एमएलए साहब, मैं राजस्थान तक से बोल रहा हूँ। हाँ बताएं। आपने हाल ही में एक ट्वीट किया, आपके जो एसडीएम लगाया कार्तिकेय मीणा उसके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल जो एसडीएम बदले गए हैं उसमें लाडनू में जिस एसडीएम को लगाया गया है वो उस पे लाडनू में तहसीलदार रहते हुए शराब पीकर लोगों को परेशान करते हुए कि वीडीआई पीडब्ल्यूडी की जमीनें निजी खातों में चढ़ा दी। उसके बाद जब डीडवाना पोस्टिंग हुई तो आपको पता मौल आश्रम में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, जब एक दलित समाज की जो जमीन थी उसको भूमाफियों के हवाले कर दी जी। इन सारी बातों को लेकर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि चुनावी समय में ऐसे अधिकारी जिन पे खुले तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं उनको अगर इस तरह से पोस्टिंग दी जाएगी तो जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और सरकार की छवि पे खराब असर आएगा इसका। नहीं, कहीं ये तो नहीं है कि चुनावी मौसम में आपके कुछ खेल बिगाड़ने के लिए जानबूझ के इनकी पोस्टिंग की गई हो? अब ऐसा तो देखो जिन्होंने करी है वो जाने, लेकिन मैंने तो जो जनता की आवाज थी, जो कल पोस्टिंग होने के बाद जो आदमी मिलने आए जिस तरह से सेक्टर के लोग, तो सब में आक्रोश था कि ऐसा अधिकारी आके बैठेगा तो किस तरीके से तो तहसील चल पाएगी, किस तरीके से एसडीएम ऑफिस चल पाएंगे। तो ये सब चीजें तो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिन लोगों ने इनकी पोस्टिंग की है, उनको इनका पीछे का पूरा रिकॉर्ड देखकर उसके बाद पोस्टिंग की जानी चाहिए। हालांकि वैसे तो ट्वीट पर भी लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन इसकी आपने ट्वीट के अलावा भी कहीं कोई शिकायत की है या इनको बदलने की कोई मांग की है? मैंने तो गोविंद डोटासरा जी हैं पीसीसी चीफ, उनसे मेरी बात हुई है तो उनको मैंने इस मामले में अवगत कराया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ इसमें क्या हो पाता है। तो हमारा मुद्दा ये नहीं कि हमारी पसंद का अधिकारी लगाओ, लेकिन ऐसे अधिकारी लगाओ जिनका कम से कम जनता जिन पे भरोसा करे, जिनसे जाके एसडीएम ऑफिस में आदमी काम की उम्मीद कर सके बिना पैसे और बिना भ्रष्टाचार के। तो इस तरीके के अधिकारियों को लगाना चाहिए, मेरी तो यही मांग है और मैंने जो प्रदेशाध्यक्ष है डोटासरा साहब उनको इस पूरे मामले से अवगत कराया। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब ये अगर यहीं रहते हैं तो इसको लेकर आगे अगला आप कोई कदम उठाएंगे या इनकी तो मौजूदगी में? वो तो जनता देखेगी वहाँ की पब्लिक क्या करना चाहती है, वो जैसा कहेगी वैसा मैं तो जनता जैसा कहेगी वैसा करूंगा। उनको लगेगा कि इस अधिकारी के रहने से यहाँ उनमें आक्रोश है तो मैं वहाँ की लाडनू की जनता के साथ हूँ, मेरी कोई पसंद नहीं है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को लाडनू और लाडनू की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।